नमस्कार, आपको पता है कि आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 939 का जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक है, तो जीके के अलावा जो है वो कंप्यूटर भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि जो है वो कंप्यूटर में भी आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो देखिए, अब अच्छा टाइम है, ये सही टाइम है कि हम जो है वो कंप्यूटर के भी साथ साथ में क्वेश्चन डिस्कस करें। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, कंप्यूटर के ही सारे क्वेश्चन होंगे आज की वीडियो में। बोलते हैं, वट की हार्डवेयर आइटम टाइज आ CAD CAM सिस्टम टुगेदर। तो कौन सी हार्डवेयर आइटम जो है वो CAD CAM तंत्र को साथ रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्राफिक्स वर्क स्टेशन, ऑप्शन बी जो है वो 31 का सही आंसर है। उसके बाद है 32, बोलते हैं विच इज ग्राफिकल इनपुट डिवाइस, इनमें से ग्राफिकल इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सी है? अगर ग्राफिकल इनपुट डिवाइस की बात करें तो लाइट पेन जो है, लाइट पेन ऑप्शन ए सही आंसर है, ये एक ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है। 33 में पूछा गया है द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड, देखो जो सॉफ्टवेयर होता है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन डी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर आ जाएगा। 34 में बोलते हैं विच प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, तो इनमें से कौन जो है वो बेहतरीन ग्राफिक प्रतिकृति उत्पन्न करता है? देखो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा की जाती है? वो प्लॉटर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 34 का प्लॉटर। 35 में बोलते हैं द यूजर कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर थ्रू इट्स पेरिफेरल डिवाइस इज नोन एज, तो देखो परिधीय युक्ति द्वारा प्रयोक्ता के संगठन से सीधे संवाद को कहते हैं, उसको उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, उस टर्म को कहते हैं वन लाइन प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए जो है वन लाइन प्रोसेसिंग सही आंसर है। 36 में बोलते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट हैज़ बीन द की टू रिसेंट डेवलपमेंट इन ऑटोमेशन इज द, देखो स्वचालन के लिए जो है, स्वचालन के क्षेत्र में हाल ही में प्रगति के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक घटक की मुख्य भूमिका है। क्या भूमिका होती है इसकी? इसकी होती है ICN के इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोलते हैं विच इज कंसिडर एज हाई लेवल लैंग्वेज, इनमें से कौन सी जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर की जाती है? फोर्ट्रान जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन ए सही आंसर। 38 में बोलते हैं एक्यूरेटर आर यूज्ड टू, तो प्रवर्तक जो है वो किसके किसके लिए उपयोग किया जाता है इनका? इनका उपयोग जो है वो किया जाता है मेक अ मैकेनिकल मूवमेंट। 38 का जो है वो ऑप्शन बी मेक अ मैकेनिकल मूवमेंट जो है वो सही आंसर होगा। 39 देखिए, 39 में बोलते हैं एन और गेट कैन बी इमेजिनड एज, तो गेट तो आपने पढ़े ही होंगे, तो और गेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल, और गेट जो है वो कैसे होते हैं? ये स्विचेस होते हैं जो कि कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में, ऑप्शन बी सही आंसर है। 40 में क्या बोलते हैं ये बाइनरी नंबर का कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल में, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी गेट से रिलेटेड है, बोलते हैं व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट एंड एन एंड गेट, तो बोलते हैं एक एंड गेट के हर आगम एवं निर्गम पर जो है एक इन्वर्टर जोड़ देने पर जो है वो कौन सा तर्क जो है वो फलन उत्पन्न होता है? तो 41 का जो है वो ऑप्शन सी और जो है वो सही आंसर है, ये उत्पन्न होता है। 42 में बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज, तो फ्लिप फ्लॉप आउटपुट जो होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? वो हमेशा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है 42 का। आगे बोलते हैं द ASCII इज, तो ये क्या होता है? इसका जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, हैज़ 128 करेक्टर्स इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल करेक्टर। आगे ग्रे कोड का दिया गया है, ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7। 44 का जो है वो ऑप्शन सी 100 होगा इसका सही आंसर। 45 में देखिए क्या बोलते हैं अ बस इज अ ग्रुप ऑफ कैरिंग डिजिटल सिग्नल्स, तो एक बस जो है वो किसके वाही डिजिटल संकेतों का है? तो 45 का जो है वो वायर्स इसका सही आंसर होगा, अ बस इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स कैरिंग डिजिटल सिग्नल्स। 46 देखिए, 46 में बोलते हैं विच लॉजिकल फैमिलीज हैज द हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी, तो कौन सी तार्किक परिवार में जो है वो उच्चतम शोर प्रतिरोधक क्षमता होती है? ये किसमें होती है? ये होती है आपके HTL में, ऑप्शन डी जो है वो 46 का सही आंसर है। 47 में बोलते हैं अ सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम इज वन विच, तो एक जो सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम होता है वो किस तरह का होता है? वो होता है ऑप्शन सी, कैन इटसेल्फ परफॉर्म द रिलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेस सेंसिटिव पोर्शंस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
48 देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं कंपाइलर फॉर अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट रन्स ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूसेस कोड्स फॉर डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड। तो उसके लिए क्या क्या टर्म यूज की जाती है, उसके लिए क्रॉस कंपाइलर टर्म जो है वो यूज की जाती है। 49 का में बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग वॉज मेड पॉसिबल बाय, मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो किसके द्वारा पॉसिबल की जाती है। तो ये देखो इनपुट आउटपुट यूनिट दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों के द्वारा ही जो है वो पॉसिबल की जाती है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर होगा। 49 के बाद 50 है, बोलते हैं विच प्रोग्राम इज नॉट यूटिलिटी, इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। नहीं है स्पूलर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पूलर जो है यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। 51 में बोलते हैं बग मीन्स, एक बग क्या होता है, तो बग का मतलब होता है अलॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, ऑप्शन ए सही आंसर है, और प्रोग्राम में एक तर्कसंगत त्रुटि इसका सही आंसर होगा। 52 में बोलते हैं एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एल्गोरिथम को जो है वो किसके रूप में एक अच्छे अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। 52 का ऑप्शन बी, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एल्गोरिथम जो होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 53 में बोलते हैं द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स, तो एक डाटा के किसी विशेष हिस्से के स्थान का नाम होता है उसके लिए क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एड्रेस उसको कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है, एड्रेस को उसको कहते हैं। 54 में क्या बोलते हैं रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन, ये जो रिमोट प्रोसेसिंग थी और टाइम शेयरिंग टेक्निक थी ये किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस की गई थी, ऑप्शन डी फोर्थ जो है वो सही आंसर होगा। 54 के बाद 55 देखिए, बोलते हैं टू गो टू द बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट लाइन प्रेस, अगर किसी भी टेक्स्ट लाइन के बिगनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में जाना है तो उसके लिए आप कौन सा की जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए जो है की इस्तेमाल की जाएगी होम की, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 56 में बोलते हैं द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डाटा इज द, डाटा प्रविष्टि के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला हार्डवेयर हिस्सा कौन सा है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीबोर्ड, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 57 में बोलते हैं बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, तो संगणक की बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है, 57 का जो है वो ऑप्शन बी रोम जो है वो सही आंसर होगा। रैम रोम बड़ी बेसिक टर्म है, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। 58 में बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव तो आपने देखी होगी या सुना होगा इसके बारे में, तो ये किस तरह की डिवाइस होती है, ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 59 में बोलते हैं मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, उसके लिए देखो टर्म जो यूज़ की जाती है वो होती है मदर बोर्ड, मदर बोर्ड ध्यान रखिएगा, फादर बोर्ड तो कोई टर्म होती नहीं, कीबोर्ड तो नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, मदर बोर्ड जो है वो राइट आंसर है। 60 में बोलते हैं सीरीज ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, 8 बिट की श्रृंखला कहलाती है, 8 बिट की जो श्रृंखला होती है उसको बाइट कहते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलो बाइट जो है 1 KB जो है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। तो 30 क्वेश्चन जो है वो हमने आज डिस्कस कर लिए, बाकी के क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करेंगे, आप अच्छा रिस्पॉन्स देते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते रहेंगे, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो हम सारा कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और रही बात टेलीग्राम की तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @ALExam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 16,800 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिलती रहे, जैसे कि आपको पहले भी मिलती रही है, चाहे वो 903 का है जियो का एग्जाम था, चाहे वो 817 का जियो का एग्जाम था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंसली।